डू यू नो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन। तो इसकी केयर करना तो बनता है, स्पेशली द स्किन ऑन आवर फेस। इट नीड्स मच मोर केयर बिकॉज अवर स्किन इज रेगुलरली एक्सपोज टू आउटसाइड एलिमेंट्स जैसे कि पॉल्यूशन, सनलाइट, डस्ट, स्वेटिंग, दे मे डैमेज। तो टू रिटेन इट्स ग्लो एंड हेल्थ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो फेस सीरम्स, वन इज फॉर ऑयली स्किन, अनदर वन इज फॉर ड्राई स्किन। दीज सीरम्स दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट यूर स्किन फ्रॉम फ्यूचर डैमेज, बट जो आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स हैं ये उनकी अपियरेंस को भी रिड्यूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इन दो फेस सीरम्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये बहुत इजी होममेड फेस सीरम्स हैं, आप इन्हें इजीली घर पर बना सकते हो। ट्राई अगेन टेस्टिंग है, 15 डेज ये सिर्फ यूज करने के बाद आपको इनके अच्छे से रिजल्ट्स दिखेंगे। अब कैसे बनाना है उससे पहले आई वांट टू शेयर कि फेस सीरम्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। आपको फेस सीरम्स को, इन फेस सीरम्स को दो बार अपने फेस पर अप्लाई करना है, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस। उसके बाद आप कोई भी और स्किन प्रोडक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। फेस सीरम्स को अप्लाई कैसे करना है, आप फेस सीरम्स की जो है 4 ड्रॉप्स लोगे, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप्स आप इन्हें अपने फेस पर अप्लाई करोगे, स्लाइटली पैक एंड मेक इट स्मूथ जब तक ये कम्प्लीटली अब्सॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में, ठीक है। आप इन्हें फ्रेशली प्रिपेयर भी कर सकते हो या फिर आप इन्हें प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हो फॉर फ्यू डेज। अब देखते हैं कि ड्राई और ऑयली स्किन के लिए आपको इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन के लिए जो हम फेस सीरम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे। नंबर 1 इज उसमें से है हनी। हनी बेसिकली इसलिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिच मॉइस्चर, रिड्यूसेस योर फाइन लाइन एंड आपको एक नेचुरल ग्लो देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट मेरा है यहाँ पर कोकोनट ऑयल, इसे आप 1 टीस्पून के अराउंड यूज कर सकते हो। हनी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में रखा है बिकॉज ये नेचर में काफी स्टिकी होता है। कोकोनट ऑयल बेसिकली डू यू नो कि एक्ट्स एज अ नेचुरल सनस्क्रीन, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कहीं पर भी अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन है ये उन पर वर्क करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मेरा है यहाँ पर है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बेसिकली ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। अगर कहीं पर भी आपकी अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, ये उन पर वर्क करेगा। तो ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारा ड्राई स्किन के लिए फेस सीरम रेडी है। आपको थोड़ा सा इसको फिंगर पर लेकर जस्ट टैप 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 करना है ऑन योर स्किन। आपको बहुत स्मूथली इसको स्मूथली अप्लाई करना है अपनी स्किन पर एंड जब तक ये प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो जाता फिंगर टिप की हेल्प से ही इसे अब्जॉर्ब करवाओगे। अब बात करते हैं ऑयली स्किन की। आज ऑयली स्किन के लिए एक मैं मैजिकल इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करूंगी विच इज टोमेटो जूस। टोमेटो जूस जो है बेसिकली ये जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके लिए एक्ट करता है एज अ वंडर बिकॉज ये आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा और आपके पोर्स को श्रिंक करेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम यूज करेंगे ऑयली स्किन के लिए दैट इज 1 टीस्पून, एक स्मॉल टीस्पून ऑफ हनी। हनी यहाँ पर इसलिए यूज करा जा रहा है बिकॉज जिनकी भी ऑयली स्किन होती है उनका जो मेन इशू होता है वो होता है एक्सेस सेबम प्रोडक्शन इन योर स्किन। तो हनी जो है उस सेबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट उन लोगों को अप्लाई करना है जिनकी ऑयली स्किन है। विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर आप इसको अपनी स्किन पर इवनली अप्लाई करोगे एंड जब तक आपकी स्किन में ये अब्सॉर्ब नहीं हो जाता जस्ट 3-4 ड्रॉप्स आपको डेली यूज करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर योर क्लींजर। ये दोनों ही सेरम्स आपके स्किन को हाइड्रेट करेंगे एंड मेक्स योर स्किन मोर ग्लोइंग। इसके साथ साथ आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करना है एंड एक अच्छी स्लीप लेना है। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इस चैनल पर हम हेल्थ से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ नया पोस्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।